अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज हम बना रहे हैं वेज ऑमलेट। सर्दियां चल रही हैं तो ऑमलेट खाना तो सबको बहुत पसंद आता ही है। अगर ऑमलेट में सब्जियां मिला दी जाए तो ऑमलेट टेस्टी और हेल्दी बन जाता है। आज की रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस मजेदार सी ऑमलेट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें कि हम सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं यहाँ एक क्यूब बटर ऐड करेंगे। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बटर में डाल देंगे। आलू को हम एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे कि आलू हल्के से पक जाए। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है हमने आलू को फ्राई करते हुए। एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, एकदम महीन कट कर लिया है इसको। ये भी हम आलू के साथ फ्राई करेंगे प्याज को। एक मिनट तक फ्राई करेंगे आलू के साथ। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दो कलर की शिमला मिर्च ली, एक हरी कलर की और एक लाल। तो आधी हरी शिमला मिर्च है और आधी लाल शिमला मिर्च है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा आधा मिनट तक। देखिए इन सारी सब्जियों को हमें ज्यादा मैशी नहीं बनाना है, बस हल्का सा रोस्ट टाइप करना है। इसमें अब हम हरी प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने दो स्टिक हरी प्याज ली है जिसको फाइन कट कर लिया है। हरी प्याज भी हम इसी में ऐड कर देंगे। देखिए जितनी भी मैंने सब्जियां इसमें ऐड की है सारी सीजनल सब्जियां हैं। आजकल सब्जियां जो बहुत फ्रेश आ रही हैं और ये सारी सब्जियां सर्दियों में बहुत फ्रेश मिलती है, बस इन्हीं का यूज किया है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। इसी स्टेज पर इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बाद में अंडों में भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें और इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जियों को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, अब चलते हैं हम आगे की प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पांच अंडे ले लिए ऑमलेट बनाने के लिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने चाहे अंडे ले सकते हैं, चार पांच छह। तो सबसे पहले हम अंडों को एक बाउल में ब्रेक करेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सॉल्ट हम पहले सब्जी में भी डाल चुके हैं तो देखकर ही डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स है ये। दो से तीन मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और काफी सारा हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो सब्जी हमने फ्राई करके रखी है ठंडी होने के बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे। सब्जी को भी अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं अंडे के साथ। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ एक फ्राइंग पैन ले लिया है और मैं ये ऑमलेट जो है देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने वन टेबल स्पून के करीब देसी घी ले लिया है। घी अच्छा गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पर ही हम ये ऑमलेट का बैटर फ्राइंग पैन में डालेंगे। एक बार इस टाइप से आप ऑमलेट को बना के देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा ये ऑमलेट। अब हम इस ऑमलेट को मीडियम फ्लेम पर चार से पांच मिनट तक पकाएंगे कवर करके। इसका खास ध्यान रखना है, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए तीन से चार मिनट हो चुके हैं, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था ऑमलेट को। थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए एक साइड से ही अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे, क्योंकि हमें इस साइड से भी इसको पकाना है अच्छे से। एक प्लेट लेंगे और प्लेट से ऐसे इसको कवर कर देंगे फ्राइंग पैन को, और ऐसे हाथ रखकर इसको ऐसे टर्न कर देना है हमें।
ये देखिए इस साइड से कितना अच्छा पक गया है ये। अब हमें इसे दूसरी साइड से भी पकाना है, तो इसको बहुत आराम से फ्राइंग पैन में ट्रांसफर कर देंगे ऑमलेट को। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इस साइड से भी। अब हम इसे इस साइड से भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे, जिससे कि अंडा अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह ऑमलेट बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अंडे को हम कट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है ये अंडा, एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।